श्री गायत्री चालीसा। ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड। हे महासरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ, आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हो तथा हमें मेधा प्रभा प्रतिभा शांति क्रांति जागृति प्रगति व अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हो। जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम, प्रणवों सावित्री स्वधा स्वाहा पूरण काम। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हो, आप में समस्त सुख निवास करते हैं। हे सावित्री स्वाहा स्वधा स्वरूपा पूर्ण काम माँ गायत्री, हम आपको प्रणाम करते हैं। भूर्भुवः स्वः ॐ युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में जहां जहां ओंकार व्याप्त है, वहां आप भी गायत्री के रूप में निवास करती हो और कली के प्रभाव को नष्ट करती हो। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। आपके गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, वे परम पुनीत होने से पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इन अक्षरों में समस्त शास्त्र श्रुति और गीता आदि का समावेश है। जो व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़ने में असमर्थ हैं, वे आपके इन 24 अक्षरों के जप व स्मरण मात्र से शास्त्र अध्ययन का फल प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधा अनुपा। आपके ये 24 अक्षर शाश्वत हैं, सत्वगुण संपन्न हैं, सनातन हैं, सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं तथा अमृत तुल्य कल्याणकारी व सुपथ पर चलाने वाले हैं। हंसारूढ़ श्वेतांबर धारी स्वर्ण कांति शुचि गगन बिहारी। हे श्वेतांबर धारण करने वाली स्वर्ण कांति से युक्त हंस पर विराजित होकर गगन में विहार करने वाली माँ गायत्री। पुस्तक पुष्प कमंडलु माला शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला। आपके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे में कमंडलु तथा चौथे हाथ में माला सुशोभित है। हे शुभ्र वर्णा हे विशाल नेत्रों वाली गायत्री माँ, ध्यान धरत पुलकित ही होई सुख उपजत दुख दुर्मति खोई। आपके इस स्वरूप का ध्यान करने से हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, हमारा हृदय हर्ष और उत्साह से भर उठता है, क्लेश और दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है, हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कामधेनु तुम सुर तरु छाया निराकार की अद्भुत माया। जिस प्रकार कल्प वृक्ष और कामधेनु मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने साधकों की समस्त सात्विक मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। आप निराकार और निर्विकार हैं, फिर भी आपकी माया अपरंपार है। वह ऐसी अद्भुत है कि दृष्टिगोचर नहीं होती, अनुभव की जा सकती है। तुम्हारी शरण गहे जो कोई तरे सकल संकट सो सोई। जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है, वह समस्त संकटों और दुखों से मुक्त हो जाता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली। हे माँ आप ही सरस्वती हो, आप ही लक्ष्मी हो तथा
आप ही महाकाली हो। इन तीनों स्वरूपों में आपकी दिव्य ज्योति निराले रूप में ही दैदीप्यमान होती है। तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद शतमुख गुण गावे। आपकी महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं। शेष और शारदा द्वारा अनेक मुखों से गान करने पर भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। आप चारों वेदों ऋग यजु साम अथर्व की जननी हो। आप ब्रह्माणी हो, गौरी हो, तथा आप ही सती शिरोमणि स्वीता स्वरूपा हो। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम नाही। विश्व में जितने भी मंत्र हैं उनमें आपके गायत्री मंत्र समान न तो अतीत में कोई था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। आप समस्त मंत्रों की शिरोमणि हैं। सुमिरत ही हमें ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नाशे। इस मंत्र गायत्री मंत्र के सतत जप से मानव हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, पाप तथा अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, निष्क्रियता समाप्त हो जाती है और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है, पुण्य एवं विद्या की प्राप्ति होती है। सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। हे माँ, आप सृष्टि के बीज रूप में जगत जननी हैं। हे भवानी, आप ही काल रात्रि हैं तथा आप ही विश्व का कल्याण करने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता तेते। हे सर्वशक्तिमान आद्य शक्ति, ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन तथा शिव को संहार करने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। इनके अतिरिक्त अन्य सुरगणों को भी सुरता आपकी ही प्रदान की हुई है। तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननी ही पुत्र प्राण ते प्यारे। हे दयामयी माँ, आप भक्तों की एकमात्र आश्रयदाता हैं। भक्त आपके हैं तथा आप भक्तों की हैं। आपको ये भक्त पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। महिमा परंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी। हे माँ गायत्री, आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। आप समस्त भय समूह को नष्ट करने वाली त्रिपदा गायत्री हो। माता, आपकी केवल जय जयकार करने से समस्त भय भाग जाते हैं। पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना, तुम सम अधिक न जग में आना। इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान विज्ञान व्याप्त है वह सब आपकी ही प्रभुता है। इस विश्व में आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं है। तुम ही जानी कछु रहे न शेषा, तुम ही पाई कछु रहे न क्लेशा। हे ज्ञानेश्वरी, आप अनंत ज्ञान की भंडार हैं। आपको जान लेने के पश्चात ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे जाना जाए। आपको प्राप्त कर लेने के पश्चात आपको जान लेने वाला निष्काम हो जाता है और उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। जानत तुम ही है जाई, पारस परसी कुधात सुहाई। हे सर्वोच्च सत्ता धारणी माते, आपका ज्ञान हो जाने पर साधक की सत्ता आप में ही समा जाती है। उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस पारस मणि के स्पर्श से कुधातु भी स्वर्ण बन जाती है, उसकी भांति आपका साधक भी साध्यमय हो जाता है। तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई, माता तुम सब ठोर समाई। आपकी दिव्य शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में
कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आपकी दिव्य शक्ति का प्रकाश न हो। हे सर्वव्यापनी माँ गायत्री, आप तीनों लोकों में समाई हुई हैं। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी ही गति से गतिमान हैं, तथा जीव सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप आपकी प्रेरणा से ही हो रहे हैं। सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। आप समस्त सृष्टि को प्राणवान बनाए हुए हैं। आपकी प्रेरणा ही सृष्टि का सृजन पालन और संहार करती है। इस संसार से अपने भक्त को आप ही पार लगाती हैं। मातेश्वरी दया व्रत धारी, तुम संतरे पात की भारी। हे दयामयी माँ, आप दया का व्रत धारण किए हुए हो। आप अत्यंत दयावान हो। आपकी दया और कृपा से बड़ा पातकी भी संसार सागर से पार हो जाता है। जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। बलवान से बलवान विरोधी भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित है जावे। जो व्यक्ति मंद बुद्धि विद्याभ्यास में निर्बल तथा विक्षिप्त ही क्यों न हो, आपकी शरण में आने पर एवं आपके महामंत्र गायत्री का जप करने से मेधावी होकर अभ्यास पूर्वक विद्याभ्यास में पूर्ण समर्थ हो जाता है, तथा रोगी रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नाशय दुख हरे भव भीरा। कैसा भी दुखी और निर्धन व्यक्ति हो, आपकी शरण में आने पर उसके समस्त अभाव मिट जाते हैं तथा दुखों का निवारण हो जाता है। साथ ही वह भव बंधन से भी मुक्त हो जाता है। गृह कलेश चित चिंता भारी, नासे गायत्री भयहारी। हे विघ्न विनाशिनी माँ, आपके अनुग्रह से पारिवारिक कलह एवं समस्त दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं। हे अभयदानी शक्ति, आप अपने जन के भय समूह को पल भर में नष्ट कर देती हो। संतति हीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। आपकी आराधना करने वाले व्यक्ति को आप सुसंतति प्रदान करती हो। आपका आराधक देवी संपत्तियों को प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। भूत पिशाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। आपके मंत्र गायत्री मंत्र जप करने से भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग जाती हैं। गायत्री मंत्र के जपकर्ता के निकट यमदूत भी नहीं आ सकता, क्योंकि वह तो गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से बैकुंठ धाम जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो सदवा सुमिरे चित लाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई। सौभाग्यवती स्त्री गायत्री चालीसा का एकाग्र चित्त से पाठ करती है, वह अखंड सौभाग्यवत को प्राप्त करती है। दाम्पत्य सुख भोगती हुई अपने जीवन को समर्थ बनाती है। घर वर सुख प्रद लहे कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रत धारी। जो कुमारी कन्याएं इस चालीसा का पाठ करती हैं, उन्हें सुंदर पति एवं संपन्न घर मिलता है। जो विधवा स्त्री इस चालीसा का पाठ करती है, उसका सतीत्व रूपी सत्य धर्म सुरक्षित रहता है। जयति जयति जगदम्ब भवानी, तुम सम और दयालु नदानी। हे जगदम्बे, हे भवानी, आपकी जय हो। जय हो हे दयामयी, आपके समान दयावान दानी और उदार अन्य कोई नहीं है। जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। जो व्यक्ति सदगुरुदेव से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करता है, उसकी सभी साधनाएं सफल होती हैं।
सद्गुरुदेव के प्राप्त न होने पर आप ही को गुरु रूप मानकर साधना करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। सुमिरन करें सुरुचि बड़ भागी, लहे मनोरथ गृही विरागी। हे गायत्री माता, जो व्यक्ति सहज श्रद्धा सुरुचि एवं निष्ठा पूर्वक आपका स्मरण करता है वह परम सौभाग्यशाली है। हे माँ, आपके स्मरण करने से गृहस्थ एवं गृहत्यागी दोनों ही मनोनुकूल श्रेष्ठ अनुदान प्राप्त करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता। हे वरदानमयी माँ, आप अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशिता, श्रुत, दुष्ट शक्ति प्रेरणा तथा नवनिधि, शंख, मकर, कच्छप, पद्म, महापद्म, मुकुंद, कुंद, नील, चर्या प्रदान करने में समर्थ हैं। ऋषि मुनि जति तपस्वी जोगी, आरथ अर्थी चिंतित भोगी। ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी सिद्धजन तथा दुखी अर्थ की इच्छा रखने वाला चिंता मग्न तथा संसारी, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। जो जो भी आपकी शरण में आता है वह मनोनुकूल फल प्राप्त कर लेता है। बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उछाऊ। हे मातेश्वरी, तेरी कृपा से बलवान, बुद्धिमान, विद्वान, शीलवान ये सभी अर्थ, वैभव, यश, तेजस्विता तथा उत्साह प्राप्त करते हैं। सकल बढ़े उपजे सुख नाना, जो यह पाठ करे धरि ध्याना। जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा पूर्वक आपका ध्यान करते हुए इस गायत्री चार का नित्य पाठ करता है वे श्रेय और प्रिय सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख दोनों ही को प्राप्त करते हैं तथा उन पर सदैव आपका वरदहस्त बना रहता है। यह चालीसा भक्तियुत पाठ करे जो कोय, तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होए।